सूरत जिल्लामां गत दिवसोमां योजाएल भाजपना लाभपांचमना दिवसे सूरत जिल्ला भाजप द्वारा हजारोनी जनमेदनी भेगी थराई हती। जे मामले हवे सूरत जिल्ला कोंग्रेस महामंत्री द्वारा बारडोली नायब कलेक्टर ने फरियाद करवामां आवी छे। आम प्रजाने कोरोना अंगे कायदो बतावतुं तंत्र राजकीय पक्षो पर मेहरबान होय तेवी एक फरियाद सामे आवी छे। गत 19 नवेम्बरना रोज गुजरात सूरत जिल्लाना बारडोली खाते जिल्ला भाजप द्वारा कार्यक्रमनुं आयोजन करायुं हतुं। नवनियुक्त जिला प्रमुख संदीप देसाईनी वरणी थता तेमनो पदभार ग्रहण समारंभ योजा हतो। सीआर पाटील, गणपत वसावा सहित बब्बे कैबिनेट मंत्री हाजर रहा हता। रेली पण योजी हती। सभामां मोटी जनमेदनी पण भेगी करवामां आवी हती, जेथी कार्यक्रम संदर्भे सूरत जिला कोंग्रेस महामंत्री स्नेहल साहे बारडोली प्रांत अधिकारी तेमज डीवायएसपी ने आवेदन पत्र आप्युं छे अने भाजपना दिवाड़ी नेता कांति गामित सामे कार्यवाही थती होय तो सूरत जिला भाजपना कार्यक्रममां जवाबदारो सामे कोरोना फैलावा जवाबदार ठेरवी ए अंगे कार्यवाही करवानी मांग करी छे। गत लापचमना दिवसे जिला भाजप प्रमुख संदीप देसाईनो पदग्रहण कार्यक्रम हतो, जेमां मोटी संख्यामां भाजपना कार्यकरो मास्क वगर अने सोशियल डिस्टन्सनो भंग करता पण जोवा मळ्या हता, जेथी समग्र कार्यक्रम मामले तंत्र द्वारा कोई परवानगी अपाई हती के केम जो जोई नहीं अपाई होय तो पेडामेंडिक डिजीज एक्ट हेठळ कार्यवाही कराई के नहीं ए तमाम विगतो आवेदनमां जणाववामां आवी छे। सूरत जिला भारतीय जनता पार्टी नवनियुक्त प्रमुख संदीप भाई देसाई एमनो अभिवादन समारोह अने मोटी रेली नो आयोजन बारडोली सरदार नगरी बारडोली खाते करवामां आव्युं हतुं। एनी अंदर कोईपण प्रकारनी परमिशन लेवामां आवी हती के केम तेनी अमे पूछा गत रोज अधिकारी श्रीओने करी हती, परंतु कोई संतोषकारक अमने जवाब मळ्यो नहोतो। जो कोई परमिशन लेवामां आवी न होय अने वगर परमिशन रेली थई होय तो पेन्डेमिक डिजीज एक्ट मुजब અને સંક્રમણ ફેલાવવાના આરોપસર ગુનો દાખલ કરવો જોઈએ એવી માંગણી સાથે અમે આજરોજ પ્રાંત અધિકારીશ્રી તથા ડીવાયએસપીશ્રીને આવેદન આપનાર છે। જો તાપી જિલ્લાની અંદર પૂર્વ મંત્રી કાંતિભાઈ ગામિત પર કાર્યવાહી થતી હોય, નવસારી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ પર પણ ગઈકાલે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, તો બારડોલીમાં કોઈ જુદા નીતિ નિયમો કે કોઈ જુદા કાયદાઓ લાગુ પડેલા છે કે કેમ તે પણ અમારો એક સવાલ છે। આપના માધ્યમથી અમે પૂછવા માંગીએ છીએ કે જે કાયદા અને નીતિ નિયમો છે તે સામાન્ય પ્રજા માટે છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધિકારીઓ માટે પદાધિકારીઓ માટે નથી।